हाँ तो विद्यार्थी देखिए, हमने सिंप्लीफिकेशन में कुछ बात किया कि इसमें तरह तरह के सवाल हो सकते हैं, तो मैंने कुछ टाइप के सवाल लिखे हैं, कुछ आंकिक प्रश्न आपके सामने हैं, एक एक करके हम इस पर करेंगे। अभी ऐसे ही एक बार मैंने मेरा जो छोटा सा बोर्ड है मैंने भर रखा है, ऐसे भी एक दो बार और भरेंगे ऐसे आंकिक सवालों से, और उनके बाद में तब हम शब्दों वाले सवाल लेंगे जो अच्छे खासे सवाल होंगे, बहुत अच्छे अच्छे होंगे। तो पहले इन सवालों को देख लें कि हम इन सवालों को हम जल्दी कैसे कर सकते हैं। आइए एक एक करके शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन होगा कि 5020 माइनस 5000 और डिवाइडेड बाई 10, हमारे पास इसमें दो सिंबल दिख रहे हैं, एक माइनस का सिंबल एक डिवीजन का सिंबल है। अब बताओ दोनों सिंबल में बोडमास के नियम के अनुसार सबसे पहले क्या होना चाहिए? तो भाई सबसे पहले भाग होना चाहिए। भाग आप करोगे, अगर 5000 में आप जीरो से भाग करोगे 10 से, तो कैंसिल हो जाएगा। अब सिर्फ घटाना बचा है, 5020 में से 500 घटा दो। 5020 में से आपको 500 घटाना है, तो पहले 5000 में से 500 घटा दो, 4500 हो गया, और 20 और मिला दो, यानी आपका उत्तर बन गया कितना गया 4520। ये रहा आंसर। कितना छोटा सा सवाल है, अब हमारे पास जगह भी नहीं, इसलिए हम इसे डिलीट भी करेंगे। आप देख लीजिए, कुछ भी नहीं करना है, सीधे आंसर लिखना है। तो मैं अब पहली लाइन को मिटा रहा हूँ। इतना छोटा छोटा सवाल आपके सामने है। अगर इस क्वेश्चन को करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे? देखो यहाँ डिवीजन है और यहाँ का है, तो हमें सबसे पहले का होना चाहिए, का काटना चाहिए। का मतलब गुणा होता है, तो हम सबसे पहले भाग और गुणा में से सबसे पहले का वाला गुणा हल करना पड़ता है। तो 9 का 1/3 करेंगे तो 3 3 9, आपके पास 3 आ गया। अब 72 में 3 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 24। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का उत्तर कितना आ गया? 24। अब चलिए यहाँ प्लस का चिन्ह बना हुआ। अब ये क्या है? 2/3, और ये क्या है? 2 1 2 3/2। बताइए जब आप 2/3 में 3/2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? ये कट करके 1 बचेगा, और 24 में 1 मिला देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 25। दरअसल आपके पास जगह भी ज़्यादा नहीं, एक ही लाइन में आपका आंसर भी आना चाहिए। फिर से देख लीजिए मैंने क्या किया, मैंने 9 में पहले 1/3 से गुणा किया, यहाँ 3 आ गया। अब 72 में मैंने 3 से भाग दिया तो 24 आ गया, 24 यहाँ रख दिया, इन दोनों का आपस में गुणा कर लिया, 1 आ गया, उस 1 को 24 में जोड़ दिया, 25 हमारा उत्तर आ गया। अब मैं दूसरा लाइन को मिटाने जा रहा हूँ। इस तरह से आप देख सकते हैं कि एक एक लाइन का आंसर होता है, हमारे पास समय कम होता है, कुल मिला करके 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 8 सेकेंड, 6 सेकेंड, 20 सेकेंड के अंदर आपको सवाल पर सोचना चाहिए। आइए इस सवाल में हम क्या करेंगे, एक्स को यहीं रोक देते हैं और इन तीनों वैल्यूज़ को जोड़ करके उस साइड ले जाते हैं और घटा देते हैं। हमने भिन्न वाले चैप्टर में आपको बता दिया है कि जोड़ा कैसे जाता है। देखिए 2 3 5 5 और 2 7 7 मैंने यहाँ लिख दिया, प्लस जोड़ रहा हूँ 1/2 1/4 1/3, एलसीएम लिया मैंने 12, अब 2 6 12, 4 3 12, 3 4 12, 6 4 10 13/12, और 13/12 को हम लिख सकते हैं 1 सही 1/12। अब बताइए 7 में 1 सही 1/12 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 8 सही 1/12। इनको जोड़ने पर क्या आया? इन तीनों को जोड़ने पर आ गया 8 सही 1/12। अब इस 8 सही 1/12 को मुझे इसमें से घटाना है, वही हमारा उत्तर बनेगा। तो अगर इसमें से हम घटाएंगे तो कहीं लिख कर दिखा दें आपको, यहाँ जगह हमारे पास नहीं है, कि 13 सही 5/12 में से अगर मुझे 8 सही 1/12 घटाना होगा तो कैसे घटाएंगे? 13 में से 8 घटाएंगे तो आएगा 5, और 5/12 में से 1/12 घटाएंगे तो 4/12 होगा, और 4/12 को हम 1/3 कह सकते हैं। ये हमारा आंसर आ गया। आप देख सकते हैं कि बिना कम से कम लगा करके हम इन सवालों का जवाब कैसे दे सकते हैं, आपको अभ्यास करना चाहिए। आइए इस सवाल पर बात करें, ये सवाल बहुत अच्छे होते हैं, नीचे से ऐसे गोल गोल घुमाते हुए हम लोग ऊपर जाते हैं। ध्यान से देखिए, हमने 2 सवाल इस पर ले रखे हैं, तो देखिए ऐसे करेंगे 2 2 4 1 5/2, ये जो 5/2 है पलटेगा तो 2/5 हो जाएगा, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं 2/5, और यहाँ से यहाँ तक ख़त्म हो गया। आगे चलिए 5 2 10, और 10 में से 2 घटाएंगे 8, 8/5, और 8/5 जब पलटोगे तो जायज हो जाएगा 5/8। अब यहाँ से यहाँ तक फिर बंद, अब यही इतना बचा है 8 2 16 16 5 21/8, 8/21 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक ख़त्म, यानी आपका आंसर कितना आ गया 8/21। बहुत ज़बरदस्त तरीका है, आप इसे सीखते जाएंगे नीचे से एकदम उठते हुए ऊपर चले जाएंगे, बहुत मज़ा आएगा एकदम। इसीलिए हमने 2 सवाल ले लिया, इसको भी देख लीजिए क्या हो रहा, सेम कहानी हो रही है, पहचानने की कोशिश करें। 3 8 24, अरे सॉरी 3 4 12, 12 में से 1 घटाओगे
11 बटा 3, अब 11 बटा 3 3 बटा 11 हो जाएगा, मैं यहाँ 3 बटा 11 लिख दे रहा हूँ। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक खत्म हो गया। चलिए 11 दूनी 22, 22 में से 3 घटाइए तो 19 बटा 11, 19 बटा 11 यहाँ जाओगे तो 11 बटे 19 हो जाएगा। अब फिर ये खत्म हो गया, यहाँ चले 19 या 57, 57 में आपको 11 जोड़ना है, 57 में 11 जोड़ोगे तो हो जाएगा 68, 68 बटा 19 ऊपर जाएगा 19 बटा 68। इस तरह से देख रहे हैं आप कि सीधे सीधे आंसर आ गया 19 बटा 68, कुछ करना ही नहीं पड़ा, ऐसे सवाल बिल्कुल लिखना पड़ता और सीधे लगा देना पड़ता है। आपके पास जो भी किताबें होंगी कम से कम 4-5-10 सवाल ऐसे होंगे, ज़रूर कोशिश करिएगा, कहीं भी प्रॉब्लम आती है हमसे आप उसमें लिख करके कमेंट बॉक्स में भेजिएगा, मैं देखूंगा। तो इतने सवालों को मिटा देता हूं, इस पर हम लोग बात कर चुके हैं। आप देखिए एक सवाल पर आपको समय कितना देना है, देखिए ये ऐसे सवाल होते हैं कि आपको लगता है, सब इंसान को लगता है कि हमसे हो जाएगा, लेकिन उसको लगाने में जो टाइम लग जाता वही गलत होता है। देखिए इस सवाल को क्या करें, इसमें बताना सबसे बड़ा कौन है। देखो इसकी वैल्यू निकालना किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, हम भी नहीं निकाल पाएंगे, आप भी नहीं निकाल पाएंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, इनको एक ऐसे रूटीन में बदलने की कोशिश करें जिससे हमको अंदाज़ा लग जाए कि कौन बड़ा है। हम क्या कर सकते हैं कि जो 60, 48, 36, 24 दिख रहा है, इन सभी संख्याओं का महत्तम निकालते हैं, HCF महत्तम निकालेंगे तो इन संख्याओं का महत्तम आ जाएगा 12। अब हम 12 पर सबको सेट करेंगे, क्या हम इस सवाल को 12 25 60 मतलब ऐसे लिख सकते हैं 2 पावर 5 का पावर 12, देखो 12 25 60 अब भी तो है, ये 12 चौके 48 है, मैं लिख सकता हूँ 3 पावर 4 का पावर 12, देखो 12 चौके 48 अब भी है, ये 36 है, 12 3 36, मैं लिख सकता हूँ 4 पावर 3 का पावर 12, ये 24 है, 12 2 24 यानी 5 का स्क्वायर का पावर 12। तो आप देख सकते हैं 12 25 60, 12 चौके 48, 12 3 36, 12 25 60, ये तो हो गया, लेकिन इसी के साथ ये भी सत्य हो गया कि सबके पावर्स बराबर हो गए। अगर सबके पावर्स बराबर है तो जो जिसकी संख्या बड़ी हो गई वही सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। अब हम बहुत आराम से 2 पावर 5 का मतलब 32 जानते हैं, 3 पावर 4 मतलब 81 जानते हैं, 4 पावर 3 मतलब 64 जानते हैं, और 5 का स्क्वायर मतलब 25 जानते हैं। अब बताओ सबसे बड़ी संख्या यही हो गई, यानी हम बहुत आराम से कह सकते हैं दिस इज द ग्रेटेस्ट नंबर इस आधार पर। तो देख रहे हैं कितने आसानी से हम इसे बता सकते हैं, ठीक है भाई आगे बढ़ें, कठिन तो नहीं लग रहा, अगर कठिन लग रहा हो या जल्दी लग रहा हो तो हमें बताइएगा, हम उसमें ज़रूर सुधार करेंगे, बस आप लोग लग जाइए। हम NTPC के लिए लगे हुए, हमारे इस पुराने वीडियो देख लीजिए और नए वीडियो देख लीजिए, हम लाइव क्लास भी शुरू करने वाले हैं, बहुत जल्दी शुरू करने जा रहे हैं, दीपावली अरे होली बाद आपका शुरू कर दूंगा, आधे घंटे ही सही, मैं आपसे रेगुलर मिलना शुरू करूंगा और तब देखिएगा मज़ा आएगा। तब तक के लिए हमारे सारे वीडियोज़ देख डाले आप लोग। चलिए हम 7वां देख रहे हैं, हम एक बार लिखते हैं यहाँ पर पूरा, क्योंकि एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसलिए पूरा लिख कर दिखा रहा हूँ आपको, जिससे कहीं गलती ना होने पाए। देखिए सबसे पहले तो हम बार कोष्ठक हटाएंगे, बार कोष्ठक हटाएंगे तो बार के कोष्ठक पहले माइनस चिन्ह बना हुआ, इसका मतलब अंदर प्लस चिन्ह बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा, एक्स माइनस जेड माइनस एक्स माइनस वाई और प्लस जेड बन जाएगा। अब एक कोष्ठक आपका बार कोष्ठक खत्म हुआ, अगला कोष्ठक हमारे पास ये छोटा ब्रैकेट, अब की बार हम छोटा ब्रैकेट खत्म करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, देखिए एक्स माइनस वाई माइनस जेड माइनस, देखो ये हम ब्रैकेट हटा रहे हैं तो ब्रैकेट रख के पहले माइनस चिन्ह तो अंदर के सारे चिन्ह बदलेंगे, ये हो जाएगा माइनस एक्स, ये हो जाएगा प्लस वाई, ये हो जाएगा माइनस जेड। अब आप देख सकते हैं कि हम जेड को बहुत आराम से काट सकते हैं, क्योंकि ये प्लस जेड है या माइनस जेड है। आगे बढ़ते हैं तो इस ब्रैकेट को हटाएंगे, इस ब्रैकेट के पहले भी माइनस चिन्ह बना हुआ है, तो अब क्या होगा, देखिए वाई, अब हम इस ब्रैकेट को हटा रहे हैं तो ये माइनस लगा है तो ये प्लस बन जाएगा, प्लस एक्स और ये माइनस वाई हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं, सॉरी मझला तो कोष्ठक खत्म हो गया, अब की बार हमारा वाई भी कैंसिल हो गया, अब इसको जब हम बाहर लाएंगे अंदर माइनस चिन्ह यहाँ लगा हुआ है, एक्स माइनस एक्स बराबर जीरो हो जाएगा, मतलब देख लो जीरो जैसी संख्या थी। आपने देखा कि इतने छोटे सवाल को मैंने बड़े में लगाया, तो इस पर जो साइन है मैंने एक्स्ट्रा लिया, इसलिए एक्स्ट्रा लिया कि आपको मेरे चिन्ह दिखाना था कि कैसे हम हटाएंगे, तो इस समय को हम बचा करके अगले सवाल को हम जल्दी लगाने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं इस सवाल को ध्यान से देखिए, आप चाहें तो इस सवाल को बिना कुछ कलम लगाए चला सकते हैं, देखिए कैसे, पहले बार कोष्ठक है तो 9 8 17 करेंगे, 17 जोड़ लीजिए, अब इस 17 को 56 में से घटाना है, अगर आप 17 को
56 में से घटाते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा? अब बल्कि 56 में से क्या घटाएंगे, अब तो ये सीधे जोड़ भी सकते हैं। मुझे लगता है कि सवाल को एक बार फिर से समझना होगा, कहीं गलत तो नहीं छप गया है, कि 56 में से अगर हम 17 घटाते हैं तो हमारे पास बचेगा 39, और 39 में हम 42 जोड़ते हैं, 39 में 42 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 81, और उस 81 का 1/3 करेंगे तो आ जाएगा 27, और 27 का 108 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 135, और 135 को हम 222 में से घटा देंगे। बस इतना छोटा सा काम बचेगा, 222 में से हमें 135 घटा दूंगा तो 12 में से 5 गया 7, और 11 में से 3 गया 8, ये आपका आ जाएगा 87। देखिए कितने आराम से उत्तर आपका उत्तर आ गया। फिर से देख लीजिए कितना सिंपल सवाल है, एक बार फिर से मैंने क्या किया, 9 8 17 पहले जोड़ा, 17 को 56 में से घटाया 39 आया 39, 39 में मैंने 42 जोड़ा आ गया 81, 81 का 1/3 किया आ गया 27, और 27 को 108 में जोड़ दिया 135 हो गया, 135 को मैंने 222 में से घटा दिया, आपका उत्तर आ गया 87। कितना सिंपल है, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आइए अगले सवाल पर बात करें। हम यहाँ तक मिटा सकते हैं। देखिए यह सवाल आया। अच्छा, इस सवाल को जानने से पहले एक छोटा सा कैलकुलेशन आप देखें। अगर किसी संख्या में 9 से 99 से 999 से गुणा करना हो तो उस संख्या में जितनी बार 9 हो उतनी बार शून्य लगाकर वही संख्या घटा दिया जाता है। देखो एक उदाहरण देके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मुझको इस संख्या में 999 से गुणा करना है तो हम क्या समझ सकते हैं, 568 और ब्रैकेट में 1000 माइनस 1, 1999 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। इसका मतलब अब इसका एक बार 1000 से गुणा होगा, फिर एक बार 1 से गुणा होगा, यानी हम लिख सकते हैं 568000 माइनस 568। तो इस सवाल को देख करके अगर मैं ये लिख सकता हूँ, यानी ये जो गुणा था वो सीधे सीधे माइनस में बदल चुका है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जिस संख्या में मुझे इस प्रकार की संख्या से गुणा करना हो तो गिनिए जितनी बार 9 आपको दिख रहा है, जैसे इस सवाल में 3 बार दिख रहा है, तो 3 बार शून्य लगा करके जिस संख्या से गुणा करना हो उस संख्या में उतनी बार जीरो लगाकर वही संख्या घटा देना पड़ता है। यही कॉन्सेप्ट है। अगर यह कॉन्सेप्ट है तो आइए इस सवाल पर हम बात करें। इस सवाल को आप ध्यान से देखें तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इतना गुणा इतना प्लस इतना करना पड़ेगा और फिर गुणा 99 होगा। देखो ऐसे 999 गुणा 999 प्लस 993 अपान 999 और गुणा 999, यही तो है। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों 999 काट देंगे, कट जाएगा आराम से। इसको ध्यान से देखिए, अगर इस संख्या में हम 999 से गुणा करेंगे, इसका मतलब हुआ कि इस 999 में हम 3 जीरो बढ़ा करके और यही 999 माइनस कर देंगे, तो क्या हुआ, इनका गुणा हो चुका है। अब उसमें हमें जोड़ना पड़ेगा 993। आप खुद बताइए, इस संख्या में से 999 घटाना है और फिर 993 जोड़ना है, इसका सीधा सा मतलब ये भी हुआ कि इस संख्या में से केवल 6 घटाना है। अगर हम इसको ना करना चाहें, काट दें, तो इसमें से खाली 6 घटा दें तो भी हमारा काम हो जाएगा। जी हाँ, यही हमारा आंसर है। तो आप बहुत आराम से आप कर सकते हैं। देखिए ये रहा आपका आंसर। अगर अगला सवाल कभी आया इस तरह का तो आपको सीधे आंसर लिखना पड़ेगा। मैं तुरंत करके एक सवाल दिखा देता हूँ छोटा सा। मान लीजिए एक सवाल आपके सामने ऐसे आ जाए, तो देखो इतना गुणा इतना प्लस इतना बटा 99 रहेगा, तो 99 तो अंत में कटेगा ही कटेगा, यानी कुल मिलाकर आपको यह करना पड़ेगा कि 9900 में से घटाना पड़ेगा आपको क्या, 9 में से 5 घटाए 4, 4 इसी में से घटा दो, बस ये आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान रखिएगा 9 में से 5 घटाए 4, 4 ही घटाना पड़ेगा, तो 10 में से 4 घटाए 6, और इस तरह से आपका उत्तर ये आ गया। आप लोग लगा के देख लीजिएगा, इतना आसानी से इसका जवाब दिया जा सकता है, काफ़ी आसान होता है। अब आजकल मतलब सवाल लगाने की जो पद्धति डेवलप हुई है नए तरीके से, तो उसमें टाइम नहीं लगता है, और सवाल एग्ज़ाम भी ऐसे हो रहे हैं कि जिसमें समय की ज़रूरत नहीं है, कम से कम समय में मशीन बनकर के आप सवालों का जवाब दीजिए। आइए इस सवाल पर बात करें। देखिए एक प्रकार का सीरीज है ये, जब आप 1 में से 1/2 घटाते हो तो क्या बचेगा, 1/2, जब आप 1 में से 1/3 घटाते हो क्या बचेगा, 3 1 3 में से 1 घटाओ 2/3, यहाँ देखोगे तो ये बनेगा 3/4, और ऐसे बनता चला जाएगा कहाँ तक, 19/20 तक।
तो आप देख रहे हो कि इसका हर इसका अंश, इसका हर इसका अंश, यही क्रम कटता चला जाएगा और ऐसे कट जाएगा, आपको उत्तर आ जाएगा 1/20। तो आप देख रहे हैं कि कितना आसानी से हमने सवाल को देखा, और हो सकता है थोड़ी रफ्तार ज़्यादा हो तो मुझे बताइएगा, मैं और डिफ़िकल्ट लेवल के सवाल ढूंढ करके लाता हूँ और फिर लगाता हूँ। आपको देखना है कि कैसे कैसे सवालों को हम लोग को रफ्तार पकड़नी है। तो